नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान में। यहाँ पर दोस्तों AIIT 111 बैच का जो NAC सर्टिफिकेट है, इसको लेकर लगातार मेरे से कई तरीके के क्वेश्चन किए जा रहे हैं। जिनके सर्टिफिकेट नहीं आए हैं उनको नो कॉन्टैक्ट फाउंड, यदि प्रॉब्लम्स हो रहा है, इस तरीके से भी लगातार क्वेश्चन किया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दो क्वेश्चन टाइप कर लिया है, जैसे कि जिनका रिजल्ट स्टेटस पास दिखा रहा है उनको जो है NAC सर्टिफिकेट दिया जाएगा या नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और सर कुछ इन्फॉर्मेशन ये मिला है कि IBM पोर्टल पर जिन लोगों ने थ्योरी के एग्ज़ाम नहीं दिए हैं और उनका मार्कशीट आया है, तो क्या उनको NAC सर्टिफिकेट दिया जाएगा या नहीं। दोस्तों ये बहुत से ऐसे अफवाह हैं, बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों मेन क्वेश्चन तो ये है कि जिनके NAC सर्टिफिकेट नहीं आए हैं उनका क्या समस्या है कि जो है उनका NAC सर्टिफिकेट नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहें, तभी आप इसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन के जवाब दे देता हूँ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि जिनके रिजल्ट स्टेटस पास दिखा रहे हैं क्या उनको NAC सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जिनके भी रिजल्ट स्टेटस उनके प्रोफाइल में पास दिखा रहा है उनको रिजल्ट बिल्कुल 100% दिया जाएगा, उनको NAC सर्टिफिकेट 100% दिया जाएगा, यदि आपका जो है मार्कशीट जनरेट हुआ होगा आपकी प्रोफाइल में तो। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर कुछ इन्फॉर्मेशन ये मिला है कि IBM पोर्टल पे जिन लोगों ने थ्योरी के एग्ज़ाम नहीं दिया है उनको सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों मैं इसका आंसर यही कहूँगा कि यदि आपको आपके प्रोफाइल में जो आपका मार्कशीट है AIIT 111 बैच का, यदि वो आपको प्रोवाइड किया गया है DGT के द्वारा, तो आपको NAC सर्टिफिकेट भी 100% दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपकी प्रोफाइल में जब आप लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जब आप अपने DT सर्टिफिकेशन वाले ऑप्शन पर आते हैं तो यहाँ पर जो है आपका NAC सर्टिफिकेट नहीं दिखता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपका NAC सर्टिफिकेट नहीं दिखता है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। दोस्तों आपका जो NAC सर्टिफिकेट है वो धीरे धीरे लोगों के पास सेंड किया जा रहा है, उनके प्रोफाइल में अपडेट किया जा रहा है, आप लोग परेशान ना हो। यदि आपका जो है मार्कशीट जनरेट हुआ है आपके प्रोफाइल में तो आपको NAC सर्टिफिकेट भी जल्द ही आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे लोगों के पास लोगों की प्रोफाइल में अपडेट किया जा रहा है। तो दोस्तों ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हुआ होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कमेंट बॉक्स भी दिखा देता हूँ, मेरे से यही क्वेश्चन लगातार किया जा रहा है कि नो कॉन्टैक्ट फाउंड हो रहा है, नो कॉन्टैक्ट फाउंड हो रहा है, इसका आंसर या फिर ये प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसके बारे में समझे होंगे, बाकी दोस्तों ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आपको आपका जो सर्टिफिकेट है वो जल्द ही आपको प्रोफाइल में देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यदि आप कोई और क्वेश्चन मेरे से करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान अपने टेलीग्राम में सर्च करके ज्वाइन कर ले, और यहाँ पर दोस्तों आप मेरे से डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यदि आप चैनल पर नए रहें तो हमारे चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करें, क्योंकि दोस्तों तभी जो है आप हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाएंगे। बाकी दोस्तों यदि आपको किसी और तरीके की समस्या या प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल पर आएँ, और चैनल पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आप हमारे वीडियो सेक्शन में आ जाएंगे, और यहाँ पर दोस्तों आपको सभी प्रॉब्लम्स पर वीडियो मिल जाएगा, और यहाँ पर जो है आप वीडियोज़ को देख करके अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी कोई और समस्या या प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।